आयोग ने अधिसूचना इस मामले को लेकर जारी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा उपचुनाव के लिए 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 सितंबर को चुनाव होगा, राज्यसभा में एक पद खाली हुआ। दीपक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ हरियाणा। दीपक शर्मा, राज्यसभा के उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया? जी बिल्कुल, राज्यसभा की अगर बात करें, 12 सीटें ऐसी थी जो रिक्त थी, जिनको लेकर के जिन पर चुनाव होना था राज्यसभा के सांसद को लेकर के, और ऐसे में उन 12 सीटों को लेकर के ऐलान किया गया। इन 12 सीटों में आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सहित अगल बगल कई ऐसे राज्य हैं जिनमें 12 ऐसे सीटें रिक्त हुई हैं जिन पर चुनाव होना। उनमें एक सीट है हरियाणा की, हरियाणा जहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद थे, अब अगर बात करें तो वो सीट उनके लोकसभा में जाने के बाद खाली हो गई थी, और अब उसको लेकर के चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को मंगलवार को अगर बात की जाए तो राज्यसभा की सीट के लिए चुनाव होएगा। जो है यहाँ 12 की 12 सीटों को लेकर, जिनमें एक सीट हरियाणा की है, राज्यसभा की हरियाणा की एक सीट है। हालांकि कार्यकाल तो ज्यादा नहीं है इसमें अगर हम बात करें तो, लेकिन अगर इस सीट को लेकर के बात करें तो 3 तारीख को इस सीट को लेकर के चुनाव होना है। इसमें हम हरियाणा की जो सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 9 अप्रैल 2026 तक का करके चुनाव होगा। जो है विधायकों को ये तय करना है कि कौन राज्यसभा में जाएगा, इसमें बीजेपी कांग्रेस कौन कौन अपना उम्मीदवार उतारता है ये देखने में। लेकिन जिस तरीके से सीटों के समीकरण की बात करें तो फिलहाल हरियाणा में भाजपा का पलड़ा ज्यादा भारी है इस सीट को लेकर के, क्योंकि इस सीट को लेकर राज्यसभा को लेकर के विधायक जो है वो मत करते हैं, वो वोट डालते हैं, और हरियाणा में फिलहाल जो वोट संख्या पार्टी एक दूसरे पर लगातार जो है आरोप डाल रही थी कि उनको आगे आना चाहिए अपनों के सांसद से, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने इस्तीफा दे दिया था, तब से यह सीट खाली थी और अब 3 तारीख को इसको लेकर चुनाव होना है। जी दीपक शर्मा, विधानसभा चुनाव भी कुछ महीने के बाद होगा, राज्यसभा की उपचुनाव के नहीं, क्योंकि इसमें मतदाता चुनाव वोट नहीं डालेंगे। हाँ, पार्टी कौन सी मजबूत है ये तो दिखेगा कि सदन के अंदर ज्यादा बहुमत किसके पास है। बार बार कहा जाता है कि सरकार का अभी के पास पूरा बहुमत नहीं है, ये तस्वीर भी नजर आएगी कि बहुमत है या नहीं, क्योंकि जिसके पास बहुमत होगा उसी के पास, उसी को ही राज्यसभा की सीट मिलेगी। और ये भी हम कहें, क्योंकि अगर 14 तारीख से ना है कोई दूसरी पार्टी अपना उम्मीदवार भी नहीं उतारती तो शायद 3 तारीख को चुनाव की जरूरत भी ना पड़े, ऐसे ही उसे जो है निर्वाचित घोषित कर दिया जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं, जो बार बार बात कांग्रेस के द्वारा, जेजेपी के द्वारा कही जाती है, इसकी तस्वीर भी इस राज्यसभा के चुनाव में नजर आएगी। सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे थे कि अपना उम्मीदवार उतारें, यानी कि इन दोनों को साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी के पास स्पष्ट बहुमत है, अपना उम्मीदवार उतारने का मतलब है राज्यसभा में, क्योंकि यदि ये बार बार जेजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे तो जेजेपी समर्थन करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं कि जननायक जनता पार्टी 16 विधायकों को साथ लेकर के आए, अन्य विधायकों को साथ जोड़ करके 14 से 16 विधायक इकट्ठे करे तो कांग्रेस।